तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहिंस ब्लॉग। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम बोलने वाला है अपना यूट्यूब चैनल में आर्ट फोटो कैसे ऐड करें, मतलब कवर फोटो कैसे ऐड करें। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और ये आर्ट फोटो सेट करने का बाद अपना यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगता है, मतलब करना चाहिए और सब लोग करता है। तो ऐसे में हम देखा है आजकल बहुत ही यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूबर लोग को कोई कोई ऐड करता है, कोई कोई नहीं करता है। तो जो जो ऐड नहीं करते उसके लिए ये वीडियो बनाया हम। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप लोग ट्राई कीजिए। तो पहले आप लोग को आना पड़ेगा क्रोम में। तो क्रोम में आने का बाद आप लोग को चार्ज करना होगा youtube.com। तो youtube.com चार्ज कर लिया तो इस तरह से आप लोग को इंटरफेस दिखाई देगा। तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोगों को अभी करना क्या, राइट साइड में आप लोग का ऊपर में दिखाई दे रहा है अपना यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल पिक्चर, तो इसमें आप लोग को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह से दिखाई देगा, तो आप लोग को योर चैनल में चला जाना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो मेरा ये आर्ट फोटो पहले से लगाया हुआ है, लेकिन हम अभी चेंज करेगा। तो अभी आप लोग को करना क्या है, कस्टमाइज चैनल में क्लिक करना है। तो कर दीजिए आप लोग भी। तो हम भी कर दिया। तो अभी यहाँ अभी इस तरह से आप लोग को दिखाई देगा। तो अभी करना क्या है आप लोग को, आप लोग का ये प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रहा है अपना यूट्यूब चैनल का। तो ये प्रोफाइल पिक्चर का नीचे एक बार प्रेस कर देना है, क्लिक कर देना है। तो क्लिक कर दीजिए, ये कर दिया। तो अभी करने का बाद आप लोग को ये कॉलम दिखाई दे रहा है प्रोफाइल पिक्चर का ऊपर में। तो ये अभी राइट साइड में भी एक दिखाई देगा, तो ये राइट साइड वाला को क्लिक करना है। तो अभी कर दीजिए, राइट क्लिक कर दिया। फिर क्लिक करने का बाद आप लोग को दिखाई देगा एडिट चैनल आर्ट, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्लिक करने का बाद आप लोग को दिखाई देगा इस तरह से इंटरफेस। ये सेलेक्ट फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो अभी फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद एक फ़ोटो चॉइस करना है जो आप लगाना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग ख़त्म होने के बाद आप लोग को इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आप लोग को थोड़ा क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप करने के बाद आप लोग को दिखाई देगा इस तरह से, और ये आप लोग का अपलोड हो गया। हे दोस्तों, और एक बात, मेरा एक मामा जी है जो ब्लॉगिंग करता है, बहुत ही अच्छा सा वीडियो बनाता है। तो वीडियो को आप लोग देखिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो आप लोग जाके देखिए वीडियो को।